सो हे एवरीबॉडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स एचएस व्लॉग्स ऑन लाइफस्टाइल। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। जैसा कि आज के व्लॉग के बारे में बता दूं, तो आज का व्लॉग हमारा होने वाला है लाइफस्टाइलिंग के ऊपर। तो जैसा कि मैं बता दूं कि लाइफस्टाइलिंग से जुड़े कुछ पार्ट्स में बताऊंगा जो कि आपको डेली लाइफ में यूजेस हो सकते हैं एंड आपको फॉलो करने और कुछ नहीं। सो ऐसा मैं इसमें ना 5 टिप ऐसा बताऊंगा जो कि आपको डेली लाइफ में यूज करने एंड ट्राई करने, जो कि आप गलती करते हो, कितने बार कहीं पे जाते हो या कुछ भी करते हो तो आप वो चीज को भूल जाते हो, तो इसी के वजह से आप लोग शर्मिंदा होते हो। तो चलो फिर शुरू करते हैं एंड 5 टिप्स मैं बता दूंगा क्या क्या है। तो पॉइंट नंबर 1 जो कि आपको सही करना है वो है ये। अरे क्या देख रहे हो, वो चीज है अपना हेयर। सो आप कहीं भी जाते हो तब देखते हो कि कितने लोग क्या करते हैं, अपने हेयर कभी ठीक से मतलब उसको सेट नहीं करते, तो इसी की वजह से उन लोग बहुत सी प्रॉब्लम होती है। जो पहली चीज होती है जिसकी वजह से हमारा लुक अच्छा लगता है वो है हमारा हेयर। तो कभी भी आप कहीं पे भी जाओगे सबसे पहले आपका लोगों का ध्यान जाएगा यहाँ पे, तो ये चीज आपको हमेशा सही रखनी है, ठीक है। जैसा कि मैंने हेयर के बारे में बताया, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो जहाँ आप बाल कटाते हो आप उसके पास जाइए एंड आपके फेस कट जो होता है उसके हिसाब से उनको पूछिए कि आपके ऊपर कौन सा हेयर कट अच्छा लगता है, और वो हिसाब से अपना हेयर कट चुन लीजिए एंड हमेशा वैसे स्टाइल करें, ठीक है। एंड उसके लिए आप कुछ थोड़े प्रोडक्ट्स है वो आप यूज़ करते हो, जैसा कि मैं यूज़ करता हूँ, तो मैं बता दूँ क्या क्या मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। सो आप यूज़ कर सकते हो हेयर स्प्रे, हेयर वैक्स, हेयर ब्रश एंड हेयर ड्रायर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड मैं तो ये सब चीज़ मतलब वो सब प्रोटेक्शन के साथ यूज़ करता हूँ, इसलिए मेरे हेयर को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ध्यान रखिए कि आप कहीं आपके बाल डैमेज ना कर हो सके, ठीक है। सर टिप नंबर 2 ये है, वो है आपका ये चीज़। आप जानते होगे क्या है, अरे यार नॉर्मल से चीज़ है, शू है। तो जो द सेकेंड टिप है वो है शू, जो कि आप कहीं पे भी जाते हो, कहीं पे भी ट्रैवल करते हो तो दूसरी थिंग होती है वो होती है ये। सो डेली लाइफ में इसको भी आपको चेंज करना है। आप कहीं पे जाते हो कोई मीटिंग में तो आपको देखना है कि आपके शू एकदम क्लियर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। एंड कहीं पे भी जाते हो तो सेकेंड थिंग इस पर भी नज़र पड़ती है। आप कहीं पे भी जाओगे सबसे पहले आपकी चीज़ नज़र यहाँ पे पड़ेगी लोगों की, और सेकेंड चीज़ होती है यहाँ पे पड़ती है, और इसी से आपको पहचाना जाता है। तो सेकेंड थिंग है आपको ये सही करना है, ठीक है। सो द बड़ी मैं शूज़ की और एक बात बता दूँ कि कितने बार क्या होता है कि पब्लिक लोग मतलब शादी में जाते हो, आप शादी में जाते हो, कितने लोग को आप देखे होगे, नोटिस किए होगे, कितने लोग मतलब ऐसा फॉर्मल कपड़े पहने होते हैं और उसके नीचे चप्पल पहना होता है। तो कितने लोग ऐसे भी आते हैं शादी में, तो आप कहीं पे अगर ओकेशन में भी जाते हो तो आपको ध्यान रखना है आप क्या पहन रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब लोग देखो यार पब्लिक करते क्या है, मतलब कुछ भी फॉर्मल पहना रहता है उसके नीचे चप्पल पहना रहता है या तो फिर स्पोर्ट्स शू पहने होते। तो अगर आप फॉर्मल पहनते हो तो उसके नीचे आप मोजड़ी पहन सकते हो या फिर फॉर्मल शू पहन सकते हो। यार फॉर्मल शू बनाया किस लिए, फॉर्मल के लिए ना, तो फॉर्मल के नीचे पहना करो यार, मतलब हद है, कुछ भी पहन लेते हैं। तो ये बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आप अगर कुछ फॉर्मल पहनते हो तो उसके नीचे फॉर्मल पहनो, या फिर कैजुअल पहनते हो तो उसके नीचे कितने अभी स्नीकर्स आ चुके हैं, स्पोर्ट्स शूज पहन सकते हो, तो ये बात का ध्यान रखना है शूज में आपको, ठीक है। थिंग एंड आप मतलब घर पे भी यूज कर सकते हो, अगर घर पर आप रहते हो तो इसको भी यूज कर सकते हो। आजकल ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है फ्लिप फ्लॉप, तो आप घर पे जब रोज डेली लाइफ में इसको भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जूते पहन के घर से बाहर निकलो, बाहर निकलना है तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। द पॉइंट नंबर 3 जो आते हैं हम, वो है हमारे क्लोथ। तो कितने टाइम क्या होता है, कोई भी किधर भी शादी में चले जाता है, कौन से भी कैसे भी क्लोथ पहन लेते हैं। सो इसका भी ध्यान रखना है कि आप कहीं पे भी जाओ तो क्लोथ ऐसा पहनो जब आपके मतलब बॉडी से रिलेटेड हो। आप मतलब कितने लोग क्या करते हैं, एकदम पतले रहते हैं और उसमें भी एकदम मतलब वो चिपके हुए एकदम फिटिंग कपड़े पहन लेते हैं, तो उसके वजह से वो क्या होता है एकदम बहुत बेकार लगता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। एंड मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं नॉर्मली डेली लाइफ में कहीं पे भी जाता तो नॉर्मल ऐसे शर्ट टी शर्ट्स पहनता हूँ एकदम पतले, जो कि ये मेरे बॉडी पे अच्छे लगते हैं एंड ये भी स्ट्रेचेबल होते हैं।
इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पहन सकते हो ऐसे नॉर्मल टी शर्ट्स, जो कि मतलब देखने में एकदम कूल लगते हैं एंड बहुत अच्छे लगते हैं। एंड वन मोर थिंग, कलर का भी आपको ध्यान रखना है। कितने लोग क्या करते हैं, एकदम डार्क होते हैं तो एकदम डार्क लाइट कपड़े पहन लेते, तो वो क्या उस पर सूट नहीं करता। जब आप डार्क हो तो मतलब थोड़ा लाइट कपड़ा पहना करो, इतना भी लाइट नहीं कि आप फटाक से किसी के नजर में आ जाओ, ठीक है। जैसे कि मैंने कपड़े के बारे में बताया कि कितने लोग क्या होते हैं, पतले होते हैं तो एकदम चिपके हुए कपड़े पहन लेते हैं एकदम फिटिंग करके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की, जो आप पतले हो तो आप थोड़े खुले कपड़े पहनो। लाइक अब देख ही सकते हो मेरा कपड़ा, पतले हो तो थोड़ा खुला पहनो, ज़्यादा फिट भी नहीं पहनना। एंड मोटे हो तो भी आपको फिट कपड़े पहनने ही नहीं, बिकॉज मोटे हो तो भी वो दिखने ही वाला है पूरी बॉडी आपकी कैसी लग रही है। अगर आप फिट हो, अगर जिम जाते हो, आपकी बॉडी अच्छी खासी है, स्पैक्स है सब है, तो आप फिट कपड़े पहन सकते हो, वो अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। तो ये बात का और ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं हमारे पॉइंट नंबर 4, जो कि है 4, इधर ही तो मैं बता दिया। सो द पॉइंट नंबर 4 है आपके नेल्स, इसको आपको प्रॉपर रखना है। अगर आप इसे क्लीन रखते हो, जैसा कि मैं बता दूं कि अगर आपको नेल्स बड़े करने की आदत है तो ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर जब बड़े रखते हो तो उसको क्लीन रखो, अगर आप क्लीन रख सकते हो तो ही रखो, या तो फिर मत रखो। अगर क्लीन नहीं रख सकते और बड़ा आ रहे हो तो क्या होता है, इधर पूरा डर्ट बिटता है, तो उसके वजह से आपको कहीं ना कहीं शर्मिंदा होना पड़ सकता है। सो अगर आप क्लीन रख सकते हो तो ही आप बड़ा, अगर आपको बढ़ाना है तो, या तो फिर उसको मत रखो। बिकॉज क्या होता है, कितने बार हम किधर भी कुछ खा पी लेते या फिर कुछ भी करते तो इसमें डर्ट होता है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है और आप कहीं पे जाते हो तो आपको एकदम गिल्टी फील होता है उससे। तो हमारा जो आखिरी पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 एंड लास्ट, तो ये चीज है कि आप हमेशा जब भी ये होती है बियर्ड, जो कि कितने लोग रखते हैं आजकल ट्रेंड में, आजकल बियर्ड लुक ज्यादा अच्छा लगता है, तो कितने लोग जिसको फुल बियर्ड आती है तो फुल बियर्ड रख सकते हैं। एंड मेरे को तो मतलब वो अच्छा नहीं लगता बाल बिल, इसलिए मैं रखता नहीं। कितने लोग बोलते हैं हर्ष तू ट्राई कर बियर्ड रखा कर कैसा लगता है, तो मुझे वो अच्छी नहीं लगती इसलिए मैं रखता नहीं हूँ। बिकॉज कितने मेरे फ्रेंड्स लोग भी बोले ट्राई कर, मैं ट्राई करता बट वो अच्छा नहीं लगता, फिर पब्लिक ही मेरे को बोलती है कि हर्ष मत रख, वो अच्छा नहीं लगता, जो तू नॉर्मल है वही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सेकेंड थिंग ये है कि आप अगर आपको फुल बियर्ड आती है तो आप फुल बियर्ड रखो, या आपको या तो फिर रखो ही मत बिल्कुल ऐसा। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो और भी और पार्ट थिंग है जो कि मैं लाने वाला हूँ, तो मुझे नीचे कमेंट कर देना अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो। ये थी 5 थिंग जो कि आपको क्लियर करनी है, ठीक करनी है एंड रोज फॉलो करनी है, दैट्स इट। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। इफ यू लाइक दिस व्लॉग देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक लिस्टी से बाय बाय।